नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। बात करेंगे सर्दी के सितम की। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों में आने वाले 5 दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जो सर्दी का दौर है वो अभी लंबा चलने वाला है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की गुजारिश की गई है। आपको बता दें, लोगों से कहा गया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर जाएं, अपने आप को ढक कर रखें। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोहरे की। नए साल से लोगों को जी, आपको बता दें कि दर्शकों को कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है उससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संभल से हमारे साथ संवाददाता महेश पाल राघव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता अंबेडकर नगर से। महेश जी, किस तरीके से लोग बचाव कर रहे हैं सर्दी के इस मौसम में? ये जनपद संभल का शहर चंदौसी सब हाईवे 500 काफी काम काज से कोहरे ने दस्तक दे दी है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने कोहरे सर्दी से बचाने के इंतजाम कराए हैं, लेकिन एक खास बात ये है नगर पालिका की, नगर पालिका जो लकड़ी जलवा रही है इन्हीं स्थानों पर, वो भी लकड़ी जलवा रही है जिससे आग पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती है और काफी लोगों को परेशानी होती है जी। हालांकि जिला प्रशासन कहा जा सके, जो भी नगर पालिका जनपद संभल में आती है वो अलाव की व्यवस्था सही तरीके से करें, लेकिन अब चुनावी नजदीक में जो नगर अध्यक्ष भी है वो भी उस तरह विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस तरह से थोड़ी सी अलाव की व्यवस्था भी आवश्यक कर अपने पीछे तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से मौसम की मार पड़ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको कानपुर में हाईवे की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। रोड काफी सुनी नजर आ रही है, क्योंकि काफी चलते हुआ रोड है कानपुर में। यहाँ पर काफी वाहनों की संख्या काफी कम है, क्योंकि आज लगभग शाम 5 बजे से कोहरे ने दस्तक दे दिया। कोहरे में वाहन नहीं चल पाते हैं, तो काफी खतरा बना हुआ था रहता है। अब इस समय काफी चलते कम दिखाई दे रही थी जी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करते हैं अंबेडकर नगर का, जहां हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से ठंड से निपटने के लिए? जी ब्रजेंद्र, प्रशासन की तरफ से यहां पर रैन बसेरा का इंतजाम है, अलाव का जगह जगह व्यवस्था किया गया है, इसके अलावा कंबल वितरण किया जा रहा है। लेकिन लोगों की शिकायतें मिल रही है कि जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह पर, वह नाकाफी लग रहा है। और ठंड इतना तेज पड़ रहा है, अचानक कोहरा बढ़ जाना, पछुआ हवा चलना, तो सब मिलाकर के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नाकाफी लग रहा है आज के ठंड के सामने। जी ज्ञानेंद्र, बच्चों को स्कूल जाने में खासी दिक्कत होती है ऐसे मौसम में, तो प्रशासन की ओर से क्या टाइम में तब्दीली की गई है? जी बिल्कुल, टाइम में तब्दीली किया गया था इसके पहले, लेकिन अभी 4 तक स्कूल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जिला अधिकारी स्वयं निर्णय ले सकते हैं मौसम को देखते हुए। तो 4 जनवरी तक अभी विद्यालय बंद किए गए हैं, और अगर इसी तरह से कोहरे का कहर जारी रहा और जिस तरह से बर्फीली हवाएं चल रही है इसका प्रभाव जारी रहा तो आगे भी स्कूलें बंद हो सकती है। जी एक बार फिर से रुक करते हैं संभल का संवाददाता महेश पाल राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, जिस तरीके से सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं, ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त अस्त व्यस्त हो रहा है, तो प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? अलाव जलाए गए हैं क्या जगह जगह, ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का टेम्परेचर भी लगभग यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस का जी। हालांकि जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं नगर पालिका के लिए चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाने के लिए,
लेकिन नगर पालिका की थोड़ी ये लापरवाही बनी हुई है कि जो नगर पालिका चिन्हित स्थानों पर लकड़ी डलवाती है जलाने के लिए, वो लकड़ी अक्सर गीली होती है और गीली लकड़ी जल नहीं पाती, अलाव की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हो पाती। दूसरे जिला प्रशासन ने भी कोई ऐसा नियम जारी नहीं किया है कि कहीं जो गरीब लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था की जाए। हालांकि एक जगह रेनोवेशन बनाया गया है शहर चंदौसी में स्टेशन रोड पर मार्गोदम पर जी, लेकिन वहां भी सब लोग नहीं पहुंच पाए, वहां भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं। ठीक है ज्ञानेन्द्र जी, प्रशासन ने आपने बताया कि तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन क्या लोगों का क्या कहना है, जो स्थानीय लोग हैं अंबेडकर नगर का, क्या उनको लगता है कि जो इंतजाम किए गए हैं वो काफी है या उसमें और सुधार होना चाहिए? जी बृजेंद्र, देखिए जैसे अलाव की व्यवस्था है तो शहर के जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके बीते वर्षों में देखा जाता था जब पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो वार्डों में अलाव की व्यवस्था करते थे क्योंकि उनको मालूम रहता था, वो जनप्रतिनिधि के रूप में रहते थे तो वहां जवाबदेही उनकी बनती रहती थी, इसलिए वो अलाव की व्यवस्था लोगों के डिमांड पर करते थे। 28 दिसंबर को पालिका अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसके बाद अब नगर पालिका ईओ के हाथ में आ गया है, अपर जिला अधिकारी के हाथ में आ गया है, अधिकारियों यानी हुक्मरान के हाथ में आने के बाद वो शहर के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से कस्बों में अलाव की व्यवस्था लोगों के डिमांड पर होती थी वो होते हुए नहीं दिखाई दे रही। जी बृजेंद्र, ज्ञानेन्द्र आपके पीछे कई लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, कैसे बचाव कर रहे हैं वो इस कड़ाके की ठंड में? जी बिल्कुल बृजेंद्र, हम कोशिश करते हैं, हमारे पीछे लोग चाय की चुस्कियां इस समय ले रहे हैं क्योंकि ठंड के कारण चाय की चुस्कियां लोग लेते नजर आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है इसमें आप अपने आप का बचाव कैसे कर रहे हैं? क्या प्रशासन जो व्यवस्था किया है, प्रशासन के साथ तो अभी व्यवस्था कुछ नहीं हो पाया है, अभी लकड़ी थोड़ी बटवाई नहीं जा रही है, इसे बता रहे बस। आप प्रशासनिक व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? अभी नहीं संतुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट। आपको क्या शिकायत? जैसे जनता जहाँ पे काम व्यवस्था होनी चाहिए वहां पे नहीं व्यवस्था हो रही है, आप तो इस समय सरकार सुन रहे हैं, आप क्या कुछ उन तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर में क्या कुछ व्यवस्था नहीं? लोगों को जहाँ पे जरूरत है अलाव की व्यवस्था कराई जाए। ब्रजेंद्र जी, आप देख सकते हैं कि लोगों को शिकायत है, जो बर्फीली हवा चल रही है, जो कड़ाके की ठंड है और जिस तरह से ठंड का सितम जारी है और इस तरह का कोहरा पड़ रहा है, ऐसे में लोगों की शिकायतें हैं कि प्रशासन द्वारा कंबल वितरण जो किया जा रहा है, तो कंबल वितरण का आलम यह है कि एक बेड की तरह प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ आता है और जो भी दिखाई देते हैं उनको कंबल दे करके चला जाता है, लेकिन अगर अलाव की व्यवस्था होती है तो राह चलते हुए चाहे यात्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे आम नागरिक हो, कहीं न कहीं उसको एक सुखद अनुभूति होती है इस शरद ऋतु में। तो लोगों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था करने में फेलियर साबित हो रहा है। जी बिल्कुल ज्ञानेन्द्र जी, जिस तरीके से सर्दी का सितम है खासतौर पर गरीबों के लिए और जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं जिनके खुद के आशियाने नहीं है, घर नहीं है, उनको काफी तकलीफ होती है, तो रेन बसेरों का अगर जिक्र करें तो क्या स्थिति है संभल में उसकी, अंबेडकर नगर में उसकी क्या स्थिति है? नगर में दो रेन बसेरा बनाया गया है, एक अस्थाई रेन बसेरा है जिसमें करीब 150 लोग रुक सकते हैं, इस तरह का प्रशासन ने व्यवस्था किया। दूसरा बस स्टैंड पर अस्थाई रेन बसेरा है और वहां पर लकड़ी की व्यवस्था की गई है, लेकिन रैन बसेरा तक लोग गरीब और नहीं आना चाहते जो झुग्गी झोपड़ी बना करके फुटपाथ के किनारे रह रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन को उन पर नजर करना पड़ेगा कि जो अपना आशियाना छोड़ करके उनके रैन बसेरा तक नहीं जा सकते, लेकिन उनको तकलीफ का सामना इस कड़ाके के ठंड में करनी पड़ रही है। ऐसे ढेर सारे इलाके शहर के किनारे झुग्गी झोपड़ी में है जो कि
इस सर्दी के तकलीफ को झेलने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं और प्रशासन को उन पर जरूर रहम फरमाना चाहिए और यह संबल वितरण का जो कार्यक्रम है उनको वहां तक आप बने रहिए हमारे साथ बुलेटिन में। रुक करते हैं झांसी का, हमारे संवाददाता प्रभात सक्सेना जुड़ गए हमारे साथ सीधे झांसी से। आपके साथ कई लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात कीजिए किस तरीके से वो इस मौसम की मार झेल रहे हैं और क्या बचाव कर रहे हैं वो अपने आप का। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा झांसी में इस समय जो तापमान है वो 11 है और उसके बाद जो तापमान 11 है लेकिन जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चाय की दुकान पे खड़ा हुआ, लोग वहां खड़े हुए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं जाड़े में। भैया आप बता सकते हैं झांसी में क्या स्थिति, क्या लग रहा है आप बताइए जाड़े का क्या? झांसी में बहुत खड़ा है क्योंकि ठंड है जी। हाँ तो हम लोग चाय पीना है, चाय का लुक ले रहे हैं, चाय का लुक ले रहे हैं। आप भी कहिए नगर निगम ने कोई व्यवस्था की है क्या, अलाव वगैरह की क्या? हाँ नगर निगम में मैं चौराहों पर अलाव लगाए जी, सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी, गलन वाली ठंड है जी। हाँ अलाव जल रहे हैं, लकड़ियों के अलाव जल रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे चाय की दुकान पे भी दिखा सकते हैं, देखिए चाय बन रही है, चाय खोल रही है, बराबर चाय का आनंद ले रहे हैं और लोग पूरी तरीके से ठंड का पूरा लुक ले रहे हैं जी। जी घनश्याम जी, प्रभात जी बात कीजिए, और भी लोग दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे? हाँ हमारे पास और भी लोग हैं जी। भाई आप चाय पी रहे हैं ठंड में, क्या कह रहे हैं? चाय पी रहे हैं। लग रही है आपको लग रही है? अलाव की क्या व्यवस्था है, आपको कहीं अलाव की व्यवस्था देखी क्या? चढ़ा पे है अलाव की व्यवस्था। आप बता, आप बता, आप चाय वाले भैया हैं, आप चाय वाले भैया बताइए क्या स्थिति है चाय की? जी घनश्याम आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान पे अच्छी खासी भीड़ है, लोग ठंड का आनंद लेते चाय चाय का पी रहे हैं और अपना ठंड का पूरा मजा ले रहे हैं जी। जी घनश्याम। हाँ प्रभात जी, मेरा नाम विजेंद्र है, आपको दुरुस्त कर दूं, मैं विजेंद्र विजय बोल रहा हूँ। और आप ये बताइए कि झांसी में प्रशासन ने क्या बंदोबस्त किए हैं सर्दी से निपटने के लिए? जी विजेंद्र भाई, झांसी में जो प्रशासन है उन्होंने 7 रेन बसेरों का इंतजाम किया है और मैं अभी रियलिटी चेक करने गया था रेन बसेरे में, तो करीबन जो प्रशासन ने व्यवस्था बताई है उसको वो बिल्कुल खड़े दिख रहे हैं। जगह जगह पे अलाव जला रहे हैं, कई जगह पे अलाव नहीं है जिसमें लोगों को शिकायत थी कि हमें अलाव नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि मिल रहा है, लेकिन कुल मिला के अगर व्यवस्था और कही जाएगी शीतलहर को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा, तो ये है कि कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि उन्होंने ठंड का सही वाजिब इंतजाम किया है ताकि लोगों को ठंड से निजात दिलाई सके, बचाया जा सके। जी ब्रजेश, लोगों से बात कीजिए। प्रभात जी, हर बार लोग कहते हैं कि इस साल ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्या ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को जनवरी के महीने में? जी 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 भैया, ये बताइए लोग कहते हैं कि जैसे ठंड ज्यादा पड़ती है, इस बार आपको क्या लग रहा है जनवरी में ज्यादा ठंड है या कम है? नहीं, इस बार ज्यादा ठंड है, ज्यादा ठंड है, ज्यादा ठंड लग रही है, तो पहले के सालों से अपेक्षा ज्यादा है, ज्यादा है जी। मुझे लोगों का कहना है कि ठंड ज्यादा है पिछले वर्षों की बजाय इस बार, क्योंकि तापमान 11 है लेकिन गलन बहुत ज्यादा है, इससे ठंड बहुत ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं और अपने बचाव में जो है स्वेटर कपड़े ऊनी कपड़े सब पहने हुए हैं और ठंड का बचाव होना है। जी जी ब्रजेंद्र, आपसे पूर्वानुमान की बात करें तो जो स्थानीय आपका मौसम विभाग है उसका क्या पूर्वानुमान है झांसी के लिए, आने वाला वक्त कैसा बीतेगा लोगों का? देखिए आने वाले समय में झांसी जो मौसम वैज्ञानिक उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और येलो अलर्ट जारी है जिसकी वजह से ठंड अभी और कहर भर पाएगी, झांसी वासियों को इतनी जल्दी ठंड से निजात नहीं मिलेगी और लोगों को ये प्रशासन ने भी कहा है कि अगर आवश्यक काम नहीं हो तो बाहर ना निकले, घर में ही रहे। और आज अभी शाम को ही पीएसए जो नीलम यादव है झांसी की, उन्होंने जिलाधिकारी झांसी जो रविंद्र कुमार है उनके आदेश पे कल से 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए, अभी बराबर खुले थे, टाइम चेंज कर दिया गया था, 9 बजे से करा गया था कि 2 बजे तक रहेगा, लेकिन आज जो भी शाम को आदेश आया है उसमें 1 से 8 तक के स्कूल को 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए। जी ब्रजेश जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र जी, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो क्या फोरकास्ट है मौसम विभाग की ओर से? ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनका रुख करेंगे कुछ देर में, सीधे लिए चलते हैं आपको बागपत जहां हमारे साथ धीरेंद्र तोमर जुड़ गए हैं, सीधे बागपत से लाइव जुड़े हैं धीरेंद्र।
लोगों से बात कीजिए, अगर आपके साथ लोग हैं आसपास तो उनसे बात कीजिए किस तरीके से वो इस मौसम में अपने आप का बचाव कर रहे हैं। आपको बता दें कि सर्दी का सितम बढ़ रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हमारे साथ वीरेंद्र तोमर जुड़ गए। वीरेंद्र, कैसा मौसम है और लोगों का क्या कहना है सर्दी के बारे में? सर, लोगों का कहना यह है कि आज के हिसाब से मैं देखते हैं पड़ोस के यहाँ पेट्रोल पंप हो दिल्ली सहारनपुर रोड पर सर जी, इस कड़ाके की सर्दी में लोग जो है पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल पंप के लिए तेल भरवाने के लिए नहीं आ पा रहे लोग। और सरकार की नीति को देखते हैं, सरकार ये कहते हैं गरीबों को बढ़ावा, गरीबों को सर्दी से बताए, सरकार का कोई भी तैयारी ठंड को लेकर नहीं है। वीरेंद्र, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए, अगर आपके साथ कोई लोग हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो इस मौसम में अपने आप का बचाव कर रहे हैं। अच्छा, जो किसी से जो अपने हैं अपने अपने लोगों से बात करेंगे सर्दी के समय, अभी मैं आपको जानकारी कराता हूँ सर, सर्दी 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 होने से हर आदमी ठिठुरा है, उनमें जो है दिक्कत जी दिक्कत आ रही सर जी। ठीक है, हम रुक करेंगे फिर से आपका, अब सीधे चलते हैं झांसी एक बार फिर से। प्रभात जी, जैसा कि जिक्र आपने किया कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आने वाला जो सप्ताह है लोगों को इसी ठंड के साथ गुजारना है, क्या और भी लोग आपके साथ हैं जिनसे बात आप करना चाहते हैं? देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग और आ गए हैं चाय की दुकान पे, जो नए लोग आए हुए हैं भैया लोग, मैं उनसे ही पूछता हूँ। भैया लोग आए हुए हैं, अच्छा अच्छा आप ये चाय लेने आए हुए हैं तो झांसी में आप जाने पे क्या कहना चाहेंगे? झांसी में किस तरह चुटन वाली सर्दी है, हार कपाने वाली सर्दी है जी, घर के अंदर था या बाजार में? घर के अंदर बाजार बिल्कुल। अच्छा, नगर निगम के आपको अलाव दिखे क्या जगह जगह झांसी में? अच्छा, अब सर्दी पड़ रही है, अलाव भी है, अभी आपको कहीं चलते हुए दिखे? और बाकी आपको क्या लगता है कि झांसी वासियों को बहुत सर्दी से निजात मिली? दोबारा रुक करेंगे आपका, बने रहिए आप बुलेटिन में हमारे साथ। रुक करते हैं सोनभद्र का, जहां पर संवाददाता सुभाष पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सोनभद्र का जो मौसम है उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सोनभद्र में ठंडी पड़ गई है सुबह और शाम को, काफी घना कोहरा छाया हुआ जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ पे चल रही है। और जो ठंडी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी ठंडी पड़ रही है, जो अभी आपको बता दें कि कम से कम 12 और 13 जो है पारा है, और काफी बढ़िया जगह जगह पे अभाव की भी व्यवस्था कराई गई है। और लोग अभी मैं बरौली चौराहे पर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बहुत रोज हुआ करती, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। लोग ठंडी को देखते हुए अपने घर में दुबके हुए हैं, देर शाम से ही घर अपने पहुंच गए हैं, और जो यहाँ पे लोग अभी दिख रहे हैं वो किसी इमरजेंसी काम में फंसे हुए हैं जो अभी है यहाँ पे। और यहाँ अभी कितनी देर बाद यहाँ पे सन्नाटा छा जाएगा जो सोनभद्र जिले का जिला मुख्यालय का एक मेन चौराहा जी। आप दर्शकों को ये बताइए कि प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं सर्दी से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था करा रही है, लकड़ी गिरवाई गई है। आज डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वहाँ पे सुबह शाम और दिन में भी अलाव की व्यवस्था कराई जाए। हालांकि अभी जिले में दिन में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, किसी तरह का अलाव नहीं चलाया गया था, लेकिन आज डीएम ने सर्दी को देखते हुए सख्त चेतावनी दी है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है इससे लोगों को बचाने के लिए दिन में भी अलाव की व्यवस्था कराई जाए और दिन में अलाव जलाया जाए जिससे लोगों को ठंडी से राहत मिल सके।
जी अपने दर्शकों को दिखाइए पीछे तस्वीरें, क्या लोग आपके साथ हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल देखिए ना, कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमली है उसको कितना ये लोग महसूस कर रहे हैं और यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सोनभद्र से हमारे साथ जुड़े हुए थे सुभाष पांडे। तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि सर्दी का सितम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लोग सर्दी से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है आने वाला समय अभी और सर्दी लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास कवरेज में इतना ही, तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।